मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा वासियों को जो है पीढ़ी के नाम पर काफी ज्यादा वसूली किया जा रहा है, ऐसा लोगों ने काफी बार जो है आरोप लगाया था। और इस आरोप को लेकर के राजनेताओं ने अपने बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन इस पीढ़ी के मुद्दे पर कोई आया नहीं खुलकर। और इस मुद्दे पर आखिरकार तमाम पत्र व्यवहार करके MIM के ट्रेजर है और सीनियर लीडर है जावेद सिद्दीकी, उन्होंने महावितरण का एक सर्कुलर हमारे साथ जाया किया है। और इस सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो हज़ारों करोड़ रुपए के जो बकाया पीढ़ी का पैसा था उसे किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में भरा जाएगा, और किस तरीके से एक योजना है विलास राव देशमुख अभय योजना। इस योजना के तहत सभी जो भी पीढ़ी का बकाया बिल है उसे इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो है कम दाम में भी जो है कम कीमत में जो है देने की बात रखी है। अब इसमें जो है पूरी 100% ब्याज जो है माफ़ी की गई है। और इस 100% ब्याज माफ़ी को लेकर के और पूरी जानकारी देते हुए MIM के जावेद सिद्दीकी ने क्या कुछ जानकारी मीडिया से शेयर की है वो हम आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जब 1 मार्च 2020 को मुमरा शहर में टोरंटो आ गई, यहाँ पे बड़े बड़े जो राजनेता कहने लगे कि अगर टोरंटो यहाँ पे आ जाएगी तो हमारे मैयत से गुजरेगी तभी टोरंटो आएगी, और किसी नेता ने कहा हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हम इसको 9-2-11 करेंगे। लेकिन हमें तो ये पता था कि ये सब जुमलेबाजी थी, इसलिए हमने कायदे के अनुसार 23/9/2020 को एक पत्र हमने बिजली विभाग चीफ इंजीनियर को दिया कि हमारे शहर में जो टोरंटो कंपनी को लाए और बड़े बड़े राजनेता उसमें दावा कर रहे थे कि हम इनको हटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ की जनता टोरंटो के बिलों से इतना परेशान थी हो गई, और आज लोगों के ऊपर FIR भी होने लगे हैं। आज ही मुझे पता चला है एक बिल्डिंग में शायद 10 लोगों के ऊपर FIR विजिलेंस ने किया। जब अभी ये हाल है इलेक्शन के बाद ये लोग क्या करेंगे, लेकिन इसको हमने पहले 23/9/2020 को जब हमने RG लेटर दिया था बिजली विभाग को और विद्युत मंत्री को कि मुमरा शहर में जो अधिकारी ने फेर बदल करके एक जगह एक मकान एक दुकान के ऊपर जो मीटर 2-2 बार 3-3 बार लगाए, और वो बिल जो है तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर था लगभग, उसको सरकार ने देखते हुए कि मुमरा की लोग चोर है बिल नहीं भर रहे उसे प्राइवेटाइजेशन किया। उसी के ऊपर हमने जब ये लेटर दिया कि पहले वो अधिकारी के ऊपर गुनाह दाखिल करो, फिर उसके बाद जो है जनता PD का बकाया पैसा भरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी दिनों से मार्गदर्शन में काम होते रहे, टोरंटो करती रही, लेकिन मैंने जब ये लेटर के बाद जब मुझे कोई पत्र नहीं आया तो मैंने 27/12/2 को सुपरिटेंडेंट ऑफ महाराष्ट्र बिजली विभाग थाना सर्कल में एक पत्र दिया कि जो चीफ इंजीनियर ने 2020 में पत्र दिया कि हम उन अधिकारियों के ऊपर जो है गुनाह दाखिल कर जिन्होंने मुमरा के ऊपर बेबुनियाद काम किया है। फिर नहीं हुआ तो हमने उनको फिर 27/12/2021 को आंदोलन करने के लिए पत्र दिया। उन्होंने हमें एक पत्र दिया कि आप आंदोलन मत करो, आपकी जो मांग है PD का पैसा माफ़ हो जाए और वहाँ जहाँ पे मीटर नहीं वहाँ पे मीटर लगाना चाहिए। तो उस बारे में उन्होंने हमें कहा कि आप जो है अपना आंदोलन पीछे ले लो, हम सरकार को ये चीज़ भेजे। तो उसके बाद से हमने जो है इंतज़ार किया, तो आज हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास एक GR है। हमने जो मांग किया था हम उससे मुतमईन तो नहीं हैं, लेकिन हमारे के जनता के साथ में जो तकलीफ थी कुछ तो राहत के लिए ये GR है। इस GR में क्या लिखा है, ये 7 मार्च को जो है अपडेट हुआ है, आपको बता रहा हूँ 7 मार्च, ये 2 दिन के अंदर, लेकिन ये छुपा के लोगों ने रखे। लेकिन मैं जब इसको लेके आया मुझे मैंने क्योंकि मैंने इसके ऊपर पत्र व्यवहार किया था,
जो पीडी का अमाउंट है या किसी के घर में जो बिल बकाया था पहले, जैसे 100 रुपया था, अब 100 रुपया में वो 10 साल का कम से कम 400 रुपया 500 रुपया हो गया, 1 लाख है जैसे वो 10 लाख रुपया हो गया है, तो वो सब छोड़ के 100% ब्याज माफ हो गया है, और जो मुद्दल रकम है जैसे 10 रुपया है या 100 रुपया है, उसको जो है 6 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट से भरना पड़ेगा। और उन जगहों पे मीटर लगाओ जहाँ पे मीटर नहीं है, ऐसा मेरे पास ये सर्कुलर आया है। तो मैं जनता को बहुत बहुत आपके न्यूज के चैनल से बधाई देता हूँ कि हमने जो जनता के लिए काफ़ी मेहनत किया, आज वो मेहनत हमारी कुछ तो हुआ। तो इंशाल्लाह जो ये लोगों के ऊपर केस दायर कर रहे थे, कम से कम केस दायर तो हमारे शहर के ऊपर नहीं होगा, और जिसका बिल बाकी है मुद्दल खाली, वो 6 महीने 6 इंस्टॉल में भर के मीटर लगा ले, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपके न्यूज के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि ये सरकार को लेटर जब गया हमारे, तो ये पास हुआ है, और जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं। कोई भी ऐसा ना, अभी कोई नेता खड़ा हो जाएगा कि हमारे साहब ने मंत्री महोदय से बोल के कर दिया, अरे आप तो पहले ही झूठ बोल दिए थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम टोरंटो को 9-2-11, लेकिन आप नहीं भगा सकते। इसलिए हम इस काम के पीछे लग के जनता के हित में ये काम किया है, जो आपके न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जिसका बिल बाकी है वो जाके 6 इंस्टॉलमेंट में भर दे और अपना मीटर लगा ले, और 1 रुपया ब्याज नहीं, वो चाहे 95 के मीटर हो चाहे और पुराना मीटर हो, क्योंकि बहुत से मैंने देखा हूँ कि एक एक लोगों का मीटर का पीटी जो पड़ा है काफ़ी है, लेकिन ब्याज के ऊपर काफ़ी हो गया। अब ब्याज कम हो गया है तो खाली मुद्दल जो है MRCT एक्ट के अंदर जो 6 महीना का बिल होता है उतना भरना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा वो भी नहीं कर रहे। लेकिन कुछ तो सहूलियत मिली है लोगों को, ये हमारी मेहनत रंग लाई है, और हम हमेशा जनता का काम करते रहे और आपके न्यूज़ के माध्यम से बताते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। आपको और कुछ पूछना है तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई TV मुमरा।